आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल दुनिया भर की पर। आज यानी कि रविवार 4 मार्च 2018 को सोशल मीडिया पर एक ऑर्डर वायरल हो रहा है जो कि मध्य प्रदेश शासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल की ओर से इसका पत्र क्रमांक 20141F14 स्थापना 2018 दिनांक 1 मार्च 2018 को जारी किया गया है। आदेश में लिखा गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में तथा वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के सहमति सम संख्यक आदेश क्रमांक 5461/65 संविलियन 2018 भोपाल दिनांक 24 फरवरी 2018 द्वारा प्रदेश में अध्यापक संवर्ग का पद समाप्त कर कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाता है। संविलियन उपरांत नवीन शिक्षकों का वेतन, सातवां वेतन वित्त विभाग की अलग से स्वीकृति उपरांत देय होगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं आदेश अनुसार वाय सेंधमारे उप सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के इस पर हस्ताक्षर हैं और इसकी प्रतिलिपि बाकायदा सभी को दी गई है। तो साथियों, यह जो आदेश यहाँ पर आज वायरल हो रहा है, इस आदेश में कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है, क्योंकि यह आदेश ना तो एजुकेशन पोर्टल पर है और ना ही किसी शासन के द्वारा जारी किए जाने की अधिकृत पुष्टि हुई है। इस आदेश की प्रमाणिकता के बारे में जब कुछ अधिकारियों से बातचीत की गई तो किसी ने भी इस आदेश के संबंध में जानकारी देने से मना कर दिया और अनभिज्ञता जाहिर की। तो सरसरी तौर पर यह लग रहा है कि आदेश तो फर्जी है अथवा किसी ने होली पर इस आदेश को सोशल मीडिया में डालकर मजाक किया है। दूसरी बात यह है कि यह आदेश 1 मार्च 2018 को जारी होना बताया गया है, जबकि आज रविवार है, 4 मार्च है, इस दिन यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अधिकतर लोग इस आदेश के बारे में एक दूसरे को फ़ोन करके पूछ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, परंतु यह पहली नज़र में ही लग रहा है कि आदेश फर्जी है अथवा किसी के द्वारा यह जाग किया गया है। तो इस आदेश के बारे में आपको यह बता दें कि यह आदेश फर्जी लग रहा है और संघ के पदाधिकारियों द्वारा भी इस संबंध में सोशल मीडिया पर बयान जारी किए गए हैं कि यह आदेश पूर्णतः फर्जी है। और इस चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन कर रहा हूं सभी अध्यापकों को कि किसी प्रकार के इस तरह के आदेशों से गुमराह ना हों। शासन द्वारा जब आदेश जारी किया जाएगा तो विधिवत वह एजुकेशन पोर्टल पर और शासन के सभी उपक्रमों पर आएगा, क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल कार्य है। जो मृत संवर्ग है उसको पुनर्जीवित किया जाकर शिक्षक संवर्ग में अध्यापकों का संविलियन किया जाना है, तो ऐसे में थोड़ा समय लग सकता है। धैर्य बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों में ना आए। धन्यवाद।